आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापवन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा, दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापवन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में चाहता हूँ कि पापवन आए, और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये सॉन्ग। मतलब ये गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार 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 सुन सकते हैं। अभी वो जजमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर देखेंगे उसके क्या रिपरकशंस हैं। मैं तो सही मानते हैं यार, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं सही गलत मानने वाला कौन होता हूँ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब जब तक उसको पूरी तरह से आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्या इंटेंशन है, क्यों कहा गया है, वो समझेंगे तो बताएंगे। मैं कई बार चढ़ा हूँ अलग ट्रेन में, और मेरे साथ जो है कुछ दोस्त लोग थे वो भी चढ़ गए थे, तो अकेले अगर चढ़ो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ में अगर कंपनी है और गलत ट्रेन में अगर आप हैं तो फिर गलत ट्रेन का एहसास नहीं होता, जो गलत ट्रेन सही ट्रेन हो जाती है। वो वहाँ बहुत मंझी एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, और आके हमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे इस फिल्म के अंदर। बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और ये क्योंकि फिल्म जो है सिर्फ कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री के बारे में है, इसमें कोई स्टोरी की इतनी उठा पटक नहीं है, इसमें कोई प्लॉट ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, ये किरदार पे फिल्म है। जैसे कि पीकू थी, पीकू में स्टोरी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, स्टोरी क्या थी कि परिवार को दिल्ली से कलकत्ता जाना है, इसमें भी जर्नी है, इसमें कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें उन दोनों का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप ऑडियंस कैरेक्टर से हुक्ड हो जाती है तो फिर वो देखना चाहती है कि क्या करते हैं वो, तो ये उस तरह की केमिस्ट्री, अगर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं करीब करीब सिंगल ही होते हैं, डबल होते हुए भी कई बार सिंगल होते हैं, और सिंगल होते हुए तो सिंगल होते ही, तो करीब करीब सिंगल के मायने बहुत कुछ हो सकते हैं, यू नो, कि सिंगल हैं और करीब करीब हैं और डबल होने वाले हैं तो बस करीब करीब सिंगल हैं, तो कई मायने हो सकते हैं, आप अपना मतलब निकालिए। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फिसल रही हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये गाना जो है उसी के लिए है कि वो जो था ख्वाब सा वो रहे कि जाने दें, कि उसको रोक लें या जाने दें। पहले भी कई बार ऐसे गाने लिखे गए हैं कि मैंने क्यों जाकर उसको रोक नहीं लिया, तो ये उसी तरह का गाना है, उसी तरह के इमोशन का गाना है, जहाँ के आदमी किसी से जुदा नहीं हो पा रहा है, जहाँ आदमी को लग रहा है कि मैं क्या खुद आगे बढ़ के अपनी किस्मत को बदलूं और जो मैं चाह रहा हूँ वो खुद कर लूं या मैं उसको होने दूं। देखिए, जहाँ जहाँ जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही, अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है।